Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स टाइटल के साथ अप्लाइड साइकोलॉजी जिसका आज ये दूसरा सत्र है लेक्चर नंबर टू और इसका टाइटल है साइकोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट वन और अपने इस सत्र में आज हम जो चर्चा करेंगे वो मनोविज्ञान किस प्रकार से इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग होता है और संगठन यानी संगठनात्मक जो जहाँ पर भी व्यवस्था है जो उसमें किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो थियोरीज़ हैं नॉलेज है जो प्रिंसिपल्स हैं उसका उपयोग होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जो हमारा कोर्स है अप्लाइड साइकोलॉजी इससे जुड़े हुए जो प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्रीज़ में ऑर्गेनाइजेशंस में वो किस तरह से उनका उपयोग किया जाता है ताकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है चाहे वो इंडिविजुअल का हो चाहे वो इंडस्ट्री का हो वो दोनों का ही जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो उनका बेटरमेंट है वो संभव हो सके तो इसके बारे में अपने इस सत्र में हम चर्चा करेंगे तो अपने इस सत्र में जो हमारा पहला जो आज इसकी जो शुरुआत हम करेंगे उसमें हम बातचीत करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की यानी जो चयन प्रक्रिया होती है उसकी हम बात करेंगे और यहाँ पर चयन जो है सिलेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके बारे में कुछ बताने से पहले हम इसकी एक अगर हम बात करें एक डेफिनेशन की तो हम इसको कह सकते हैं कि चयन की जो प्रक्रिया है या जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम एक इफ़ेक्टिव सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं जिसके तहत हम एक बेहतर व्यक्ति को या एक सही व्यक्ति को हम चुनते हैं एक सही कार्य करने के लिए यानी कि जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फिट की बात की जाती है या यूँ कह लें कि जब हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट और यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति होता है उसका और जिस संस्था में वो कार्य करने जा रहा है या कार्य कर रहा है उन दोनों के बीच में कितना सामंजस्य है यानी वो एक दूसरे के लिए कितने उपयुक्त हैं कितने फिट हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर मिसफिट होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो नेगेटिव होंगे यानी कि जो व्यक्ति है उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो तो नीचे जाएगा ही साथ ही साथ जो उसका ओवरऑल एक इंडिविजुअल के नाते जो उसका अपना साइकोलॉजिकल वेलबींग well है या उसकी हेल्थ है या उसका जो सेटिसफेक्शन लेवल है या जो उसकी पर्सनल लाइफ है या जिसमें उसका सेल्फ स्टीम जो उसकी अपनी एक जिस प्रकार की उसकी एडजस्टमेंट है अपनी फैमिली के साथ उसके बीच में जो बैलेंसिंग है जिसको वर्क लाइफ बैलेंस के तौर पर भी जाना जाता है ये सभी डिस्टर्ब होगा उसके साथ ही साथ जो व्यक्ति इस प्रकार से डिस्टर्ब होगा या इस प्रकार से उसका जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस लो होने के साथ साथ उसकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी अगर उसकी डिस्टर्ब होगी या कहीं ना कहीं नेगेटिवली अगर वो प्रभावित होगी तो उसका सीधा असर उसका जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा वो ऑर्गेनाइजेशन पर भी पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन में यदि ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी जो अपने जॉब से खुश नहीं होंगे जो उस कार्य से जो वो कर रहे हैं रोज़मर्रा में उससे यदि वो खुश नहीं है और वो उसको अपने लिए उपयुक्त नहीं मानते और वो संस्था को या उस कंपनी को अपने लिए उपयुक्त नहीं मानते तो ऐसे व्यक्तियों की जो संख्या है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो भी डाउन होगा चाहे वो हम प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में बात करें या चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो एक क्लाइमेट है यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का एक जो माहौल है एनवायरमेंट है उसमें भी एक प्रकार की नेगेटिविटी आएगी तो इसलिए ये जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर विचार हैं जिसमें कि एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट और मिस फिट इसके बीच में हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो कि उस संस्था के लिए उपयुक्त हो और साथ ही साथ वो संस्था भी उस व्यक्ति के लिए उसके पोटेंशियल के अनुसार उसकी जो कह सकते हैं जो उसके स्किल्स हैं या उसकी जो एक अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अनुसार वो संस्था भी या वो संस्थान भी उसके लिए उपयुक्त हो तो इस प्रकार का जो मैचिंग है यानी कि एक सही व्यक्ति का चयन एक संस्थान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का चयन उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस से लेकर के उसकी पर्सनल लाइफ तक को अफेक्ट कर सकता है और ओवरऑल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को उसकी प्रोडक्टिविटी को उसको तो वो प्रभावित करेगा ही तो सिलेक्शन एक्टिविटी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सिलेक्शन एक्टिविटीज एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव सिलेक्शन डिसीजन्स सीकिंग टू विच जॉब एप्लीकेंट्स विल बी सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस इफ हायर्ड यानी कि जो सिलेक्शन की जो जो प्रक्रियाएं हैं उसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि किस प्रकार से हम ऐसे एफिशिएंट डिसीज़न ले सकें चयन के संदर्भ में ताकि हम एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें एक ऐसे कैंडिडेट का चयन करें जो कि वहाँ पर संस्था में आने के बाद जिस कार्य को करने के लिए उसको हायर किया गया है या उसको काम पर रखा गया है वो उस कार्य को सक्सेसफुल तरीके से उसको पूरा पूरा कर सके पूर्ण कर सके और फ्यूचर में वो उसमें बेहतर योगदान दे सके तो ये जो चयन प्रक्रिया है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस में चयन को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है और हम आए दिन अक्सर ये बात करते हैं और ये सुनते भी हैं कि कई बार जो लोग हैं जो व्यक्ति हैं वो संस्था में चुने जाने के बाद या तो वो संस्था को छोड़कर चले जाते हैं या उनको वो कार्य पसंद नहीं आता या फिर कई बार संस्था ही उन्हें उस कार्य से निकाल देती है यानी कि उनको वो नौकरी से हटा देते हैं तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं इनको अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं इनको हम कम करना चाहते हैं तो इसके लिए जो चयन प्रक्रिया है उसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही हम कह सकते हैं आ, सही तरीके से किया जाना आवश्यक है अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो सिलेक्शन यानी चयन से संबंधित एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि, कि किसी भी संस्थान में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में हम जब इस तरह के जो शब्दावली है जब इसका प्रयोग करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्रीज या कंपनीज या इस तरह का कोई भी एंटरप्राइज जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कुछ निश्चित कार्य करने के लिए हायर किया जाता हो जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज दे सकता हो और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन उसे किसी प्रकार से कॉम्पनसेट करता है तो इस प्रकार के जो ये जितनी भी इस तरह की सेटिंग्स हैं उनको हम इंटरचेंजेबली कभी ऑर्गेनाइजेशन कभी इंडस्ट्रीज़ कभी उसको हम एंटरप्राइज तो इस प्रकार के शब्दों का हम चयन यहाँ पर कर सकते हैं ये सभी एक ही चीज को दर्शाता है तो जो चयन की प्रक्रियाएं हैं वो सभी एक कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न यानी स्टैंडर्ड पैटर्न में हम ये देखते हैं कि उसका एक फ्लो है यानी कि वो एक प्रकार से प्रवाहित होती हैं, और उसमें कुछ जो चरण होंगे वो एक के बाद एक आते जाते हैं और चयन प्रक्रिया में उन सभी चरणों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी है और उसका एक अपना विशेष महत्व होता है इसी के साथ साथ जब हम पहले जब हम चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में या सिलेक्शन एक्टिविटी में उसमें वो प्रक्रिया है इनिशियल स्क्रीनिंग की यानी कि जो शुरुआती दौर में जो हम उसको अगर सामान्य शब्दावली में बोलें तो जो छटनी की प्रक्रिया है यानी इनिशियल स्क्रीनिंग आपने अक्सर ये सुना होगा और अगर हम इसको अपने इंडियन पर्सपेक्टिव में इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे आप ये देखते हैं कि कई बार कुछ पोस्ट जब निकलती है या किसी पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट निकलता है तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो रेशियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड होता है यानी कि अगर 10 जॉब निकलेंगी तो जो उसके लिए एप्लीकेशंस आएंगी हम ये मान सकते हैं कि कम से कम अगर हम बात करें तो वो एक लाख एप्लीकेशन भी आ सकती हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है और ये मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में इसकी बात कर रहा हूँ हालांकि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों में ये अलग अलग हो सकती है जैसे कि यदि कोई ऐसा जॉब है जिसमें बहुत हाई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है तो हो सकता है वहाँ पर इस प्रकार की जो रेशियो की जो दिक्कत है जहाँ पर आप देखते हैं कि टेन पोजीशंस के लिए एक लाख एप्लीकेशन आ रही हैं ऐसा हर जगह नहीं होगा यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट निकालेंगे और वो मान लीजिए ऐसी दो पोस्ट आई हैं तो हो सकता है उस दो पोस्ट के लिए केवल पाँच ही एप्लीकेंट्स हों इसकी भी पूरी संभावना है तो इस प्रकार से हमें यह भी अपने दिमाग में रखना है अपनी जानकारी में हमें ये रखना है कि जो रेशियो होगा वो हर बार हाई या लो नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि परिस्थिति क्या है जॉब कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसके लिए जो ओवरऑल जो क्वालिफिकेशंस की जो डिमांड है जो एक्सपर्टीज़ की डिमांड है वो कैसी है तो इन सभी के आधार पर परंतु यहाँ जब हम बात करेंगे तो हम एक जनरल वे में बात करेंगे कि जो इनिशियल स्क्रीनिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और इनिशियल स्क्रीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि किसी भी जॉब के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी या कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और जो कैंडिडेट्स या जो भी एप्लीकेंट्स होंगे जो अभ्यर्थी होंगे जो उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते होंगे वही उस चयन प्रक्रिया के अगले पड़ाव में जाएंगे जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो यदि आपको किसी क्लर्क की पोस्ट के लिए या बैंक का ही हम उदाहरण ले लें एक बैंक क्लर्क का आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए जो मिनिमम अगर योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है तो जो भी ग्रेजुएट्स होंगे वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो नॉन ग्रेजुएट्स होंगे वो उसके लिए यदि अप्लाई कर भी देंगे तो उनको इनिशियल स्तर पर ही उनको वहाँ पर छाँट दिया जाएगा या उनको उस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा तो ये जो है इसको हम इनिशियल स्क्रीनिंग का नाम देते हैं इसी के साथ साथ इसमें जो दो स्टेप्स हैं स्क्रीनिंग इंक्वायरीज और स्क्रीनिंग इंटरव्यूज यहां पर हम ये देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग इंक्वायरी में जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि हम कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं या जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हम अपने एडवर्टीजमेंट में ये बताते हैं कि हमारी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और जो इसको फुलफिल कर रहे हैं वो हमारे यहाँ चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और यदि वो इसको पूरा नहीं करते तो इसके बावजूद अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो हम उनको प्रक्रिया में आगे नहीं ले जाते इसके अलावा कभी कभी इसी प्रकार की स्क्रीनिंग में इंटरव्यूज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर उनसे एक बहुत ही शॉर्ट यानी कि ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं ये बहुत इनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विस्तृत तरीके से नहीं किया जाता और इसमें केवल बहुत मूलभूत जानकारियाँ ली जाती हैं और एक हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ ही बातों का ध्यान रखा जाता है उनकी जो बेसिक उनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्य हैं उनकी बारे में वो क्यों इस कार्य को करना चाहते हैं और उनकी इस कार्य को आ, के बारे में क्या विचार हैं एक बहुत ही शॉर्ट में उनका जो ओवरऑल इंटरेस्ट है इस जॉब में या इस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में एक बहुत ही बहुत ही हम कह सकते हैं छोटी सी और एक शुरुआती एक इंटरेक्शन और इसीलिए इसको स्क्रीनिंग इस इंटरव्यू का नाम दिया जाता है और जब यहाँ पर ये सुन ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो व्यक्ति है जो एप्लीकेंट है वो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आना आने का उसका इच्छा है और साथ ही साथ वो इस प्रकार की क्वालिफिकेशंस भी रखता है तब हम उसको चयन प्रक्रिया में आगे की तरफ बढ़ाते हैं यानी उसको नेक्स्ट स्टेज पर हम लेकर जाते हैं इसके बाद जो इस प्रक्रिया का जो दूसरा महत्वपूर्ण तो भाग है या जो स्टेप है वो होता है कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो आवेदन पत्र है उस जॉब से संबंधित उस कार्य से संबंधित जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भरा जाना या उसको पूर्ण करना यह इस चयन प्रक्रिया का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तो स्टेप है जिसमें कि पहला जो जानकारी जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो मांगी जाती है वो होती है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म यूज टू जनरेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन द कंपनी वांट्स। यानी कि जो संस्था है वो उस अभ्यर्थी से या उस जो भी कैंडिडेट है उससे वो किस प्रकार की सूचनाएं वो चाहता है चाहे वो उसकी उम्र से संबंधित हो चाहे वो उसके जेंडर से संबंधित हो या चाहे वो उसकी लैंग्वेज से संबंधित हो चाहे वो उसकी फिजिकल कंडीशन से संबंधित हो यानी जो उसका एक पूरा बायोग्राफिकल डेटा है उसकी जो मूलभूत बेसिक जानकारियाँ हैं और साथ ही साथ उसकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उसकी कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस उसके कुछ स्किल्स तो इन सभी इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन उस अभ्यर्थी से जानना चाहता है कि वो अपने बारे में वो कैंडिडेट जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो प्रदान करे और इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है एप्लीकेशन फॉर्म का वो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि फ्यूचर में भविष्य में कभी भी कैंडिडेट के जितने भी दावे हैं या उसने खुद से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको यदि किसी भी स्टेज पे आगे चल करके चाहे वो चयन प्रक्रिया के ही दौरान या चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद यदि वो अभ्यर्थी सेलेक्ट भी हो जाता है तो किसी भी स्टेज पे उसकी उन सभी सूचनाओं को वेरीफाई किया जा सके क्योंकि यदि वो लिखित में नहीं होंगी वो सूचनाएं तो आगे चल के वो कैंडिडेट डिनाई कर सकता है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी या मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया था या ऐसी कोई सूचना मैंने नहीं दी तो इस प्रकार से कैंडिडेट के द्वारा इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरवाया जाना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ताकि वो जो भी सूचनाएं दे रहा है उसको किसी भी स्टेज पर आगे चल के वेरीफाई किया जा सके और इसीलिए इस तरह के एप्लीकेशन फॉर्म्स में सामान्यतः एक डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र भी होता है जिसमें कैंडिडेट ये स्वीकारता है और अनुमति भी प्रदान करता है कि उसके जितने भी इसमें सूचनाएं उसने दी हैं वो पहले तो सत्य हैं और साथ ही साथ उसको आगे चल करके कभी भी सत्यापित किया जा सकता है या उसकी जांच की जा सकती है तो इस प्रकार का जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए बढ़ जाता है दूसरा जैसा कि इसी में मैंने आपको बताया ट्रुथफुलनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन उस अभ्यर्थी ने जो भी सूचनाएं दी हैं उनकी सत्यता की प्रामाणिकता हो सके और उसका एक रिकॉर्ड बन सके इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म का भरवाया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसी के साथ उस कार्य से संबंधित यदि कुछ विशेष प्रश्न हो जो कि उस कार्य को करने के लिए जो महत्वपूर्ण योग्यताएं हों या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है उससे संबंधित या कुछ अनुभव जो उस कार्य से रिलेटेड हों उनके बारे में भी जो जानकारी है वो उस अभ्यर्थी से उस फॉर्म में ली जाती है तो इस प्रकार से और इसमें एक और प्रकार का जो वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर उसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कई बार कुछ अभ्यर्थियों से हमें ये अपेक्षा होती है कि वो हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिसके लिए हम उनका चयन कर रहे हैं जिस कार्य के लिए उस कार्य में हम उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और यदि ऐसे में हमारी जो उनसे अपेक्षाएं हैं उसको कौन से कैंडिडेट बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं हम ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहते हैं या उनकी एप्लीकेशंस को हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा वेटेड एप्लीकेशन हो यानी कि उनको हम प्रेफरेंस एक प्रकार का देना चाहते हैं तो ऐसे में हमें वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं तो इसका एक उदाहरण मैं आपको दूँ ताकि आपको ये और स्पष्ट हो सके जैसे एक एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कोई मान लीजिए क्लैरिकल पोजिशन ही है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हमारे पास एक ऐसा कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आए एक ऐसा कैंडिडेट आए जिसका हम चयन करें तो वो हमारे यहाँ लंबे समय तक कार्य करे क्योंकि शुरुआती दौर में उस व्यक्ति को ट्रेन करने के बाद और वो काम सीखने के बाद यदि वो व्यक्ति वो काम जल्दी छोड़कर चला जाएगा तो हमारा कार्य आगे प्रभावित होगा तो इसलिए यदि हमारी जो ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है उस जॉब की उसमें हमारी एक ये भी अपेक्षा है कि वो व्यक्ति कार्य तो अच्छे से करे ही एफिशिएंटली करे ही साथ ही साथ वो उस संस्था में अधिक समय के लिए कार्य करे यानी कि एक स्टेबल एम्प्लॉय की तरह काम करे तो ऐसे में हम सभी जो इसके पूर्व के जितने भी अभ्यर्थी रहे हैं या इसके पूर्व के जो हमारे पास डेटा उपलब्ध हैं वहां से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार के कैंडिडेट्स उनका जो स्टेबल होने का जो यानी जो कार्य में समय गुजारने की जो अवधि है किसकी ज्यादा है जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं और कुछ कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इसमें भी जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं उसमें कौन से वो कैंडिडेट हैं जो एक वर्ष या उससे कम में ही संस्था को छोड़ के चले गए या ऐसे कैंडिडेट्स जो पाँच वर्ष तक मिनिमम पाँच वर्ष तक संस्था में रहे और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि उसी तरह से कौन से वो कैंडिडेट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट थे वो संस्था को एक साल से पहले छोड़कर चले गए या वो पाँच साल से अधिक वहाँ पर रहे तो यदि हमें इस पूरे अपनी एक्सरसाइज में ये प्राप्त होता है कि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स थे वो उस संस्था में उन्होंने पाँच वर्ष से अधिक बिताने वाले जो जितने भी कैंडिडेट्स इसके पहले रहे हैं या जो भी एम्प्लॉयज रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रेजुएट्स थे उनकी संख्या थी मान लीजिए दस और जो एक साल से जिन्होंने कम बिताया मान लीजिए वो थे पाँच लेकिन यही चीज़ पोस्ट ग्रेजुएट में यदि वो केवल जो एक वर्ष से कम रहे वो संख्या पाँच थी और जो पाँच वर्ष तक रहे वो सं वो संख्या शून्य थी तो ऐसे में केवल ये एक उदाहरण के तौर पर आपको समझने के लिए है कि हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट कौन होगा क्योंकि यदि ये व्यक्ति कार्य को अच्छे से कर रहा है तो हम ये देख पा रहे हैं कि संस्था में बने रहने के जो चांसेस हैं वो बहुत हाई हैं तो ऐसे में हम इस व्यक्ति का चयन करना ज़्यादा प्रिफर करेंगे जो कि ग्रेजुएट हो बल्कि उस कैंडिडेट के जो पोस्ट ग्रेजुएट हो और उसके संस्था में बने रहने की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रहेंगे तो इस प्रकार की अब हम उसके आगे जो ऐसे कैंडिडेट्स होंगे उनको हम ज़्यादा उनकी एप्लीकेशंस को महत्व देंगे वो हमारे लिए ज़्यादा वेटेड एप्लीकेशंस होंगी तो इस प्रकार की ये हर जॉब के लिए अलग अलग ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जब भी संस्थाएं होंगी उनके लिए सभी के लिए ये वेटेड एप्लीकेशंस अलग तरीके से बनाई जानी चाहिए ये ऐसा नहीं होगा कि एक संस्था में सभी प्रकार की जो पोजीशंस हैं या जो कार्य हैं उनके लिए हम एक ही प्रकार की वेटेड एप्लीकेशन बना दें क्योंकि इससे हमने पर्टिकुलरली जो रिसर्च की या जो डेटा तैयार किया वो एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किया तो वो केवल वहीं पर अप्लाई होगा वो हर क्षेत्र में या हर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं होगा लेकिन वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स को तैयार करने से हमारी जो चयन प्रक्रिया है उसमें एक बेहतर कैंडिडेट यानी एक ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट खोजने में हमें सहायता मिलती है इसके बाद सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर्म की फुलफिलमेंट के बाद हम अपने इस चयन प्रक्रिया के अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं और वो होता है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग यानी सेवा योजन जो करना है किसी व्यक्ति का उसके पूर्व के जो भी परीक्षण हैं उनके बारे में इस चरण में वो सभी परीक्षण किए जाते हैं इसमें जो परीक्षण है, वो हमारे लिए एक सिलेक्शन टूल की तरह हमारे लिए वो कार्य करते हैं और जो परीक्षण किया जाता है उसके द्वारा हम उसके इंटेलिजेंस लेवल को उसकी स्पेशल एबिलिटी को या उसके परसेप्शन स्किल्स को या मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन को उसकी मोटर एबिलिटी को या उसकी पर्सनालिटी ट्रेड्स को भी हम मेजर करते हैं यानी कि जब इसको आप फिर से अगर देखें तो जो यहाँ पर हम इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का जो ओवरऑल जो इंटेलिजेंस लेवल है जो उसकी जनरल नॉलेज है जो उसकी ओवरऑल अवेयरनेस का जो लेवल है हम उसकी बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति डिसीजंस लेने में कितना सक्षम होगा इसी के आधार पर हम इसका भी प्रिडिक्शन करते हैं साथ ही साथ उस व्यक्ति की स्पेशल एबिलिटी यानी कि जो स्पेस, यानी कि जो जगहें हैं जो उसके आधार पर वो उसकी एनवायरमेंट में जो जो ओवरऑल किसी भी चीज़ की जो मौजूदगी है उसको लेकर के डायरेक्शंस को लेकर के कितना वो व्यक्ति सक्षम है या उसकी जो योग्यता है उसको समझने की कितनी बेहतर है जैसे एक उदाहरण अगर हम लें तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको हम रखना चाहते हैं किसी ऐसी पोस्ट पर जहाँ पर मान लीजिए एक ट्रैफिक से रिलेटेड कोई काम है ट्रैफिक मेंटेनेंस या ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है उससे रिलेटेड कोई कार्य है तो ऐसे में जो डायरेक्शंस कि जब हम बात करेंगे तो डायरेक्शन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या वो व्यक्ति उसके अंदर स्पेशल एबिलिटी है उसके अलावा परसेप्शन स्किल्स की हम बात करते हैं कि क्या वो व्यक्ति जो उसको बताया जा रहा है या उसके आसपास जो घटित हो रहा है उसको परसीव करने की उसके पास कितनी क्षमता है कितना स्किल है उसके पास इसके साथ ही साथ जो मैकेनिकल उसकी नॉलेज है जो कॉम्प्रिहेंशन है किसी मशीन को रन करना या किसी मशीन की जो कार्य कार्य पद्धति है उसको समझना उसको ऑपरेट करना इस प्रकार की जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उसकी हम टेस्टिंग करते हैं साथ ही साथ उसकी खुद की मोटर एबिलिटी यानी जो उसकी अपनी जो गत्यात्मक जो उसकी योग्यता है किस प्रकार से वो अपने हाथों को फाइनली मूव कर सकता है पैरों को और वो चाहे वो दौड़ने से संबंधित हो या तेज़ी से किसी जगह पहुंचना घूमना या बेंड होना जैसा कि वो कार्य से संबंधित हो और ये सभी या इनमें से कुछ का हम परीक्षण कर सकते हैं डिपेंड करेगा कि हमारा जो कार्य है उसकी जो डिमांड है वो क्या है हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस जॉब में वो उस व्यक्ति से क्या हैं और हम क्या चाहते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस व्यक्ति से उस कार्य में और उसको इस कार्य को करने के लिए किन प्रकार की योग्यताएं होना उसके लिए आवश्यक है उन्हीं योग्यताओं का हम परीक्षण करेंगे इसके अलावा हम पर्सनैलिटी ट्रेड्स की भी बात करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स में उस व्यक्ति की ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की है और क्या क्या वो पर्सनैलिटी टाइप हमारे कार्य से मैच करती है उसके लिए उपयुक्त है संस्था के लिए उपयुक्त है और क्या वो व्यक्ति जो उसकी पर्सनैलिटी टाइप है उसके आधार पर हम उसकी परफॉर्मेंस को आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इस प्रकार के जो परीक्षण हैं उनके द्वारा हम इस सभी उसकी योग्यताओं का हम मेजरमेंट करते हैं उसका मापन करने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर आगे चल के हम उस चयन प्रक्रिया में एक बेहतर कैंडिडेट का चयन कर पाते हैं इसके बाद इन सभी टेस्ट में कुछ विशेष प्रकार की जो टेस्ट पद्धतियां हैं उनकी हम यहां पर चर्चा करेंगे जिसमें कि एक जो तरीका है इस तरह के परीक्षण करने का वो है परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट यानी कि जो व्यक्ति होगा जो कैंडिडेट होगा उसको हम इस प्रकार के स्पेसिफिक जो व्यवहार हैं उसमें हम उसको एंगेज करेंगे ताकि वो उस कार्य को करने के लिए जो भी ज़रूरी महत्वपूर्ण जो भी उसको करने के लिए जो व्यवहार करना है वो उनको वहाँ पर प्रदर्शित कर सके यानी कि हम उस व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में डालेंगे जहाँ पर वो रियल में हमें परफॉर्म करता हुआ दिख सके या उस कार्य को वो परफॉर्म करता हुआ हम उसको ऑब्जर्व कर सके यानी कि हम उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे कि हम ये बहुत हद तक समझ सकें कि वो किस प्रकार से यदि उस कार्य को करेगा तो वो क्या वो व्यवहार प्रदर्शित कर पा रहा है जो इस कार्य को आगे चल के करने के लिए ज़रूरी होंगे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो जैसे अक्सर पायलट जो बनाने के लिए जो टेस्टिंग होती है उसमें एक मशीन टेस्ट होता है जहाँ पर उनको कुछ मशीन्स को ऑपरेट करना होता है उसमें बहुत सारे लीवर्स बटन्स होते हैं जिनको कि उन्हें ऑपरेट करके एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना होता है तो जो कि रियल लाइफ में हम कहें तो एक एरोप्लेन से अलग होती है ये पूरी जो सिमुलेशन है बट कहीं ना कहीं वो उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस टास्क पे या उस मशीन पे वो ये प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से आगे चल करके ये कैंडिडेट जो यहाँ पर सक्सेसफुली इस बिहेवियर को शो कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है वो आगे चल कर भी इस कार्य को कर पाएगा तो ये एक तरीका इस प्रकार के परीक्षण करने की एक विधि होती है इसके बाद इनको कभी कभी अभ्यर्थियों को वर्क सैम्पलिंग के द्वारा भी उनका परीक्षण किया जाता है कि असल में ही उस कार्य को उस प्रतिभागी को दिया जाता है कि आपको ये कार्य करके दिखाना है उसका एक छोटा भाग यानी कि उस कार्य का एक छोटा हिस्सा उसको दे दिया जाता है कि ये चीज़ आप करके दिखाइए जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी मान लीजिए हम ऑपरेटर को कंप्यूटर ऑपरेटर को हमें उसकी जॉब हमारे पास है और हमें उसके लिए अभ्यर्थी का चयन करना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर से हम ये कहेंगे कि ये आपके सामने ये कंप्यूटर है और इसमें आप हमें ये प्रोग्राम ओपन करके और इसकी ये चीज़ें बना करके हमें दिखाइए तो ऐसे में वो छोटा सा टास्क जो कि रियल जब वो कार्य करेगा आगे चल के तो इस प्रकार के छोटे कार्य उसको करने होंगे और आगे और भी बड़े कार्य करने होंगे परंतु वो उसका एक छोटा सैंपल है जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वो व्यक्ति निपुणता रखता है इस प्रकार के कार्य को करने के लिए और उसके पास ये एबिलिटी है कि वो इस कार्य को पूर्ण कर सके तो इस तरह के कार्य हम उसके सामने रखेंगे और वो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य को करेगा और उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि वाकई उसने उस कार्य को बेहतर तरीके से किया या वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं था तो इसके आधार पर हम उसका परीक्षण करते हैं इसके अलावा एक और फेमस जो विधि है परीक्षण की उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है असेसमेंट सेंटर्स का और असेसमेंट सेंटर्स में कुछ टेस्ट्स का मिला जुला स्वरूप होता है यानी कि इसमें केवल एक प्रकार का टेस्ट पर फोकस न हो करके इसमें कई अलग अलग प्रकार के टेस्ट्स को एक साथ उनका एक सेट बनाया जाता है इस तरह का एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है कि एक कैंडिडेट को इन सभी टेस्ट या इस पूरे सेट ऑफ टेस्ट से गुजरना पड़ता है और वहाँ पर उसका मूल्यांकन होता है कि उसने कितने अच्छे तरीके से इन सभी कार्यों को पूरा किया या उस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया तो इस प्रकार के जो असेसमेंट सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पर इस प्रकार की उनकी ओवरऑल इवेल्यूशन की जाती है और ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो केवल एक प्रकार के कार्य में ही वो निपुणता नहीं रखता बल्कि वो अलग अलग जो टास्क हैं उससे रिलेटेड अलग अलग जो स्किल्स हैं उन सभी में वो कितनी योग्यता रखता है या कितना उसके पास एबिलिटी है इसकी टेस्टिंग इस प्रकार से इस तरह के असेसमेंट सेंटर्स पर की जाती है जैसे उदाहरण के लिए हम एक समझें अगर तो अगर हमें कहीं पर एक ऐसे आ, व्यक्ति की ज़रूरत है जिसको कंप्यूटर चलाना भी आता हो जिसको टाइपिंग करना भी आता हो जिसको हैंड नोट्स भी लेने आते हों और जिसको साथ ही साथ और कुछ इसके अलावा फ़ोन पे आ, कुछ अगर किसी से हैंडलिंग करनी है कुछ बात करनी है और इसके अलावा और भी कुछ और टास्क हो सकते हैं तो इस प्रकार का जब हम देखेंगे तो हम उस व्यक्ति को अलग अलग सेट्स देंगे अलग अलग कार्य देंगे और उसमें हो सकता है हम उसके लिए कुछ और हो सकता है उसको कुछ ऐसी फाइल्स पे काम करना हो जहाँ पर उसको डेटा देखना हो डेटा में से उसको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो इस प्रकार की यहाँ पर इस उदाहरण को देने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति को एक जॉब में जिसको कि आजकल हम मल्टी जॉब्स हो गए हैं उनका नेचर जो मल्टी हो गया है तो ऐसे में एक कैंडिडेट के पास उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत तरह की जो उसकी एबिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए तो उन सभी एबिलिटीज की एक कॉमन सेंटर पर हम उसकी टेस्टिंग करने का जब प्रयास करते हैं तो इस तरह के असेसमेंट सेंटर्स हम उसके लिए बनाते हैं और उसकी हम टेस्टिंग वहाँ पर करते हैं यहाँ पर एक और जो परीक्षण का जो एक और तरीका है जो कि यहाँ पर हमने अभी मेंशन नहीं किया है इसमें परंतु जैसा कि आप सभी छात्र उस तरीके के जो असेसमेंट प्रोसेस है या जो परीक्षण विधि है उससे आप सभी बहुत हद तक फैमिलियर होंगे और वो होते हैं कई बार कुछ रिटर्न टेस्ट या कुछ इस प्रकार के ही जो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें इस जिसको हम कई बार एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पर भी उसको हम देखते हैं तो इस प्रकार की भी हमारे पास टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि हम उन कैंडिडेट्स को उसमें से जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज है जो वो पोजेस करते हैं उनको हम आगे की प्रक्रिया में लेकर जाते हैं तो उस तरह के परीक्षणों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है परंतु ये जो सामान्य रूप से जो ये ज़्यादा हम कह सकते हैं जिससे हम फेमिलियर हैं इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण जो परीक्षण विधियां हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर अवगत कराया इसके बाद इसी से संबंधित जो अगला स्टेप है चयन प्रक्रिया में वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू यानी कि विस्तृत साक्षात्कार अभी तक हमने जो बातचीत की उसमें हमने देखा कि सर्वप्रथम एक इनिशियल स्क्रीनिंग हुई उस इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद उस अभ्यर्थी से हमने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बाद उस व्यक्ति का उस कैंडिडेट का एक परीक्षण हुआ या सीरीज ऑफ टेस्ट हुए जिसमें कि उसको अलग अलग तरीके से परीक्षण किया गया उसके बाद अब वो अभ्यर्थी आगे चल करके एक विस्तृत साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरता है और यहाँ पर उस व्यक्ति से उसके बारे में डेप्थ इन्फॉर्मेशन यानी कि उससे उसके बारे में जितनी भी ज़रूरी सूचनाएं हैं और डिटेल में अभी तक इसके पहले जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें हमने देखा कि चाहे वो परीक्षण हो उसमें हम योग्यता की बात कर रहे हैं उसके पास किस प्रकार की योग्यता है एप्लीकेशन फॉर्म में भी हमने उसकी बेसिक डिटेल्स पर ही ज़्यादा फोकस किया तो लेकिन उस अभ्यर्थी को एक बेहतर ढंग से समझने के लिए कि वो कैसा व्यक्ति है वो किस प्रकार से सोचता है किस प्रकार से उसके जो ओवरऑल जो उसका अप्रोच है उन सभी चीजों के बारे में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं इसमें जो अभ्यर्थी होता है उसका जो इंटरव्यू होता है वो कई स्तर पर किया जाता है यानी कि वो एक वन टू वन लेवल पर भी इंटरव्यू होता है और वो एक बोर्ड के सामने भी वो इंटरव्यू हो सकता है और इसी तरह से एक एक्सपर्ट पैनल जो हमने अभी बताया कि एक बोर्ड के सामने यानी कि एक्सपर्ट पैनल पूरा बैठेगा उसके सामने भी उस अभ्यर्थी का इंटरव्यू हो सकता है तो इसमें हो सकता है इंडिविजुअल लेवल का इंटरव्यू पहले कराया जाए हो सकता है उसके बाद और कई लेवल पर इंडिविजुअल इंटरव्यूज हों जिसमें कि एक लेवल पर एक एक्सपर्ट ने उससे सवाल पूछे यानी वो उस जिसके अंडर में वो काम करेगा उस मैनेजर से या उस सुपरवाइज़र ने उससे सवाल पूछे या ओवरऑल एक बोर्ड बैठा एक्सपर्ट्स का उसने उससे कुछ सवाल किए उसने उससे उसका साक्षात्कार लिया तो इस प्रकार का सेवरल लेवल्स यानी कि जो इंटरव्यू है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की जॉब है अगर वो एक मैनेजरियल पोस्ट है यानी एक हाई लेवल की पोस्ट है तो ऑब्वियसली जो इंटरव्यू है वो ज़्यादा सघन तरीके से किया जाएगा उसको ज़्यादा स्तर पर किया जाएगा जबकि कोई ऐसा अगर पोस्ट है जहाँ पर कि जो हम कह सकते हैं कि जो लोअर लेवल की अगर कोई पोस्ट है या जिसकी जो स्किल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अगर नहीं है तो वहाँ पर हो सकता है इंटरव्यू छोटा हो या इंटरव्यू केवल एक बार एक व्यक्ति द्वारा लिया जाए तो इस प्रकार से वो डिपेंड करेगा फिर से कि वो कार्य जो है वो कैसा है जिसके लिए चयन किया जा रहा है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसी हैं वो रिक्वायरमेंट्स में अगर लीडरशिप स्किल आता है मैनेजरियल स्किल्स आता है हाउ टू परफॉर्म और हाउ टू यू नो वर्क विद अ टीम अगर इसकी हम बात करें और क्रिटिकल मोमेंट्स में डिसीजन लेने की जो क्षमता है प्रेशर को हैंडल करने की जो क्षमता है और एक जो ओवरऑल वाइज डिसीज़न यानी कि एक व्यक्ति के पास अभ्यर्थी के पास विज़न है कि नहीं तो इस प्रकार की जो टिपिकल क्वालिटीज़ होती हैं जिनको कि हम अक्सर रूटीन टेस्ट रूटीन परीक्षण से हम उसके बारे में पता नहीं लगा पाते तो इसके इस तरह की जो डेप्थ uh, इंफॉर्मेशन in उस कैंडिडेट की डेप्थ पोटेंशियल को हम इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज से उसको हम बाहर निकालने का या समझने का प्रयास करते हैं इसके बाद जो कि हमने देखा कि इंटरव्यू की प्रक्रिया में ऐसे बहुत से क्वालिटीज़ हैं एबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में अभ्यर्थी को कितना वो क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद हैं इसका पता लगाना पूर्व की जो प्रक्रियाएं थी चयन प्रक्रिया में जो स्टेजेस थे वो बहुत ही मुश्किल है लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से इस प्रकार की जो उसकी आ, कह सकते हैं कि जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं उसको उस तरह की सिचुएशंस प्रेजेंट करके उस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अलावा जो इंटरव्यू की ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस है उसकी जब हम बात करते हैं तो इंटरव्यू की इफ़ेक्टिवनेस में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए यानी इंटरव्यूअर जो है जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उसको भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उसके द्वारा ताकि जो इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो इफ़ेक्टिव हो यानी वो प्रभावकारी हो और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी है एक बेहतर अभ्यर्थी का चयन करने में ये प्रक्रिया सहायक हो और ऐसे में जो इंटरव्यूअर द्वारा किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उसमें सर्वप्रथम है कि उसको जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में खुद रिव्यू करना चाहिए यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो ये बताता है कि जो कार्य है वो क्या है कहाँ पर किया जाना है किसके द्वारा किया जाना है और कब किया जाना है किन परिस्थितियों में किया जाना है इस प्रकार की जो सभी सूचनाएं हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंडर में आती हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन में ये देखा जाता है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार की क्वालिफिकेशंस किस प्रकार की स्किल सेट किस प्रकार की योग्यताएं आवश्यक हैं ये जॉब स्पेसिफिकेशन में इसके बारे में बताया जाता है तो इंटरव्यूअर को जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उसको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास ये सभी तथ्य यानी ये सभी जानकारियाँ उसके पास मौजूद होनी चाहिए इसके बाद इंटरव्यूअर को या इंटरव्यू पैनल को हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड यानी संरचना पूर्व में संरचित किया हुआ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए उनके पास जो कि वो अभ्यर्थी से पूछेंगे न कि उन्हें अलग अलग अभ्यर्थियों से अलग अलग प्रश्न करने चाहिए क्योंकि ऐसे में कई बार ये हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर अभ्यर्थी से आप मुश्किल या आसान सवाल पूछ सकते हैं और ऐसे में ये जो पूरी प्रक्रिया है ये डिरेल हो सकती है या जो इसका मकसद है एक बेहतर कैंडिडेट का चयन वो प्रभावित हो सकता है तो इसलिए एक पूर्व से निर्धारित एक संरचित एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाने चाहिए जो सभी अभ्यर्थियों से पूछे जाने चाहिए उसी के साथ साथ इंटरव्यूअर को जो एप्लीकेशन या रेज्यूमे जो सीवी जिसको हम आजकल कहते हैं वो जो कैंडिडेट का है उसको भी उसको विस्तृत अध्ययन उसका पहले से पूर्व से उसका किया जाना चाहिए इंटरव्यूअर के द्वारा ताकि उसके पास बेसिक डिटेल्स मौजूद हों अभ्यर्थी से संबंधित और वो इस प्रकार से अभ्यर्थी को आ, की एक बेहतर समझ रखता हो कि इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं क्या क्वालिफिकेशन्स हैं क्या एक्सपीरियंस है तो इस प्रकार की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो उसके पास पूर्व से होनी चाहिए इसके अलावा इंटरव्यूअर को एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमूमन हम ये एक इंटरव्यूअर ये गलती कर बैठता है कि उसको लगता है कि कैंडिडेट जो आया है वो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा है तो यानी उसे वो चीज़ नहीं आती परंतु यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंटरव्यू अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें इवेल्यूएशन इन्वॉल्व है यानी कि हम यहाँ पर किसी का मूल्यांकन हो रहा है और वो व्यक्ति उसके बारे में अवगत है तो ये पूरी परिस्थिति अपने आप में स्ट्रेस जनरेट करती है यानी कि इस तरह की कंडीशन में हम किसी भी व्यक्ति को चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो चाहे वो कितना भी योग्य हो चाहे वो कितना भी अनुभवी हो किसी को भी जब हम इस तरह की कंडीशन में डालते हैं या वो इस तरह की कंडीशन का जब सामना करता है तो निश्चित रूप से उसे स्ट्रेस होता है यानी वो एक निश्चित तनाव महसूस करता है और ऐसे में कई बार जो उसका रियल परफॉर्मेंस है वो बाहर नहीं आ पाता और ऐसे में इंटरव्यूवर की तरफ से ये प्रयास होना चाहिए कि वो कैंडिडेट को सबसे पहले ईज आउट करे यानी कि वो कैंडिडेट को पहले नॉर्मलाइज़ करे उसको ये फील कराए कि दैट इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है उससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कोई हार्म नहीं होगा और यहाँ पर आप बहुत सामान्य महसूस कीजिए ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है तो इस प्रकार का जो एक ओवरऑल एनवायरमेंट जो एक क्रिएट करने की जो जिम्मेदारी है वो इंटरव्यूअर की होती है ताकि और इसका रियल रीज़न ये है कि जो अभ्यर्थी है जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं होगा हम उसकी रियल परफॉर्मेंस का असेसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अंडर स्ट्रेस अगर कोई है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो ऑब्वियसली उसकी रियल परफॉर्मेंस का जो एक हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइज करें इज आउट करें उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करें देन क्वेश्चंस को पूछें और उसके बाद ध्यानपूर्वक उसका उत्तर सुनें न कि अगर इंटरव्यूअर कई बार ये गलती करते हैं कि वो कुछ प्रश्न करते हैं और उसी के बाद वो कुछ फाइल देखने लगे या मोबाइल देखने लगे या आपस में अगर पैनल बैठा है तो वो खुद बात करने लगे ऐसे में अभ्यर्थी को ये सिग्नल मिलता है उसको ये इंप्रेशन जाता है कि जो बोर्ड है या जो इंटरव्यूअर है वो उसके जवाब को लेकर के सीरियस नहीं है या उस वो कुछ गलत जवाब दे रहा है या फिर उसके मन में कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं जो कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं होता और ऐसे में फिर से जो इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया है जो उसका रियल जो एम है वो है एक अच्छे कैंडिडेट का चयन करना एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट को अचीव करना वो संभव नहीं हो पाएगा इसके बाद इसी प्रक्रिया में आगे इंटरव्यूअर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे फॉलोअप क्वेश्चंस लें जो उस इंटरव्यू की प्रक्रिया में नेचुरली फ्लो करें यानी कि अभ्यर्थी जो उत्तर दे रहा है जो रिस्पांस दे रहा है उसी के फ्लो में जो क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं उन्हीं को वो आगे फॉलो अप करे ना ही एब्रप्टली हर बार अगर वो टॉपिक चेंज करेंगे तो वो कभी भी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे और हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी बात की एकदम उसके डीप बेस पे नहीं पहुंच पाएंगे इसीलिए जो इंटरव्यूअर को फॉलो अप क्वेश्चन लेने चाहिए वो हमेशा नेचुरल फ़्लो में जो चल रहा है इंटरव्यू उसी में से उसको अपने फॉलो अप क्वेश्चन उठाने चाहिए इसके बाद इंटरव्यूवर्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर ये होता है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया के दौरान उन्हें यह लगता है कि हमने ये चीज़ सुन ली तो हमें यह चीज़ अब पता है इस कैंडिडेट के बारे में परंतु वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्हें उसके बारे में जो भी सूचना मिल रही है जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको उन्हें नोट डाउन करना चाहिए उसके नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि आगे चल कर के इस तरह के बहुत कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू लेंगे और कई बार इन्फॉर्मेशन इंटरमिक्स हो जाती है एक दूसरे से इंटरफेयर करती है और ऐसे में कई बार इंटरव्यूअल इंटरव्यूवर ये गलती कर जाता है कि किस अभ्यर्थी ने क्या बताया था और फिर जब लास्ट में वो बैठता है ये असेसमेंट करने कि कौन सा कैंडिडेट बेटर था तो उसके पास सटीक जानकारी नहीं होती क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी सूचनाएं एक साथ आ गई हैं और ऐसे में वो कुछ गलती कर बैठता है या उससे कुछ सूचना मिस आउट हो जाती है तो ऐसे में जो कैंड जो इंटरव्यूअर है उसको ये सजेस्ट किया जाता है दैट ही और शी शुड ऑलवेज मेक नोट्स अबाउट द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उसके बाद क्लोज द इंटरव्यू और इस प्रक्रिया का मतलब ये है कि कभी भी इंटरव्यूअर को इंटरव्यू समाप्त होने के बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को दी उसके द्वारा दी जानी चाहिए यानी कि आप इस इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट करें इस इंटरव्यू का जो आगे इसके बारे में अब इसके आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ बेसिक क्वेरीज़ हर कैंडिडेट के पास होती हैं उन बेसिक क्वेरीज़ का एटलीस्ट वहाँ पर बताया जाना ज़रूरी है इंटरव्यूअर के द्वारा और इसीलिए एक प्रॉपर क्लोजिंग इंटरव्यू की आवश्यक है तो ये एक बेहतर इंटरव्यू एक अच्छे इंटरव्यू के लिए ये सभी जो स्टेप्स हैं इनका फॉलो किया जाना चाहिए और इसमें अंत में जो है राइट योर इवेल्यूएशन इसका अर्थ ये है कि जो इंटरव्यूअर है उसको अपने जो भी ऑब्जरवेशंस हैं जो भी उसका ओवरऑल इवेल्यूएशन है कैंडिडेट के बारे में वो भी उसको हर कैंडिडेट के बाहर जाने के बाद उसी समय लिखना चाहिए उसको वेट नहीं करना चाहिए कि सारे इंटरव्यूज़ ओवर हो जाएं फिर वो कैंडिडेट candidate, सभी कैंडिडेट्स का एक साथ इवेल्यूएशन या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे ऐसे में अक्सर इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है अक्सर उनसे Uh, कह सकते हैं कि इम्प्रेशंस चेंज हो जाते हैं तो उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हर कैंडिडेट का इवेल्यूएशन उसी के इंटरव्यू के तुरंत बाद पूर्ण करें इसके बाद साक्षात्कार से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में इंटरव्यूअर uh, को ध्यान रखना चाहिए या इंटरव्यू बोर्ड को इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वप्रथम इंटरव्यू जो है वो एक यूनिवर्सल सेलेक्शन टूल है यानी कि ये लगभग लगभग सभी प्रकार की जो चयन प्रक्रियाएं हैं उनके लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है साथ ही साथ इंटरव्यूअर को हमेशा बायस से बचना चाहिए और यहाँ पर इंटरव्यूअर बायस का अर्थ ये है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो इंटरव्यूअर है या जो पैनल है जो बोर्ड बैठा है एक्सपर्ट्स का जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो कभी कभी प्री बायस्ड होता है यानी किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेकर के या किसी पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट की किसी क्वालिटी को लेकर के वो बायस्ड हो जाता है वो पॉजिटिवली बायस्ड भी हो सकता है नेगेटिवली बायस्ड भी हो सकता है इसके दोनों हम कह सकते हैं कि दोनों ही स्वरूप इसके मिलते हैं जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई इंटरव्यूअर देख रहा है कि जो कैंडिडेट उसके सामने हैं वो किसी एक पर्टिकुलर संस्थान से यदि पढ़कर आया है तो और उस संस्थान के बारे में यदि वो इंटरव्यूअर भी वहीं से पढ़कर आया है ये मैं आपके सामने एक सामान्य उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि बायस किस प्रकार से कार्य करता है तो ऐसी परिस्थिति में जो इंटरव्यूअर है वो उस कैंडिडेट के बारे में एक पॉजिटिव उसके अंदर एक बायस आ जाएगा यानी कि वो स्वभावतः ये मानेगा कि वो जो कैंडिडेट है वो बहुत ही योग्य होगा वो बहुत ही उसके अंदर कैपेबिलिटीज uh, होंगी और वो उस जॉब के लिए सुटेबल है तो इस प्रकार के डिसीजंस पर वो पहुंच सकता है जिसका कि उसकी रियल परफॉर्मेंस से यानी कैंडिडेट की रियल परफॉर्मेंस और उसका जो बायस है उसके बीच में ये इंटरेक्शन की वजह से जो ओपिनियन होगा इंटरव्यूअर का वो बदल सकता है क्योंकि वो इंटरव्यूअर उसको ले करके पूर्व में ही बायस्ड हो चुका है लेकिन इसी तरह से नेगेटिविटी भी हो सकती है जैसे अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो मान के चलिए कि वो उसने किसी और क्षेत्र से पढ़ाई की हो या उसने किसी पट उसके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री हो और उसको उस डिग्री के बारे में जो इंटरव्यूअर है उसका विचार है कि ये डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होता और इस तरह की डिग्री करने का या इस तरह की एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कोई इसका आ, मतलब नहीं है और इस तरह की अगर उसके अंदर पहले से कोई बायसनेस मौजूद है तो वो इंटरव्यूअर जो है वो उस कैंडिडेट के बारे में सही निर्णय नहीं ले पाएगा क्योंकि वो उसका सही मूल्यांकन नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बायसनेस आ चुकी है और वो बायसनेस की वजह से वो सही मूल्यांकन और सही निर्णय नहीं कर पाएगा ऐसे में हमेशा ये कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह के जो बायस हैं उनसे बचा जाए और इंटरव्यू जो है वो एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ यानी कि उसमें पर्सनल फीलिंग्स पर्सनल ओपिनियंस को साइड में रखते हुए उनसे बचते हुए केवल उन बातों पर फोकस किया जाए जो जॉब से संबंधित हों ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हों और कैंडिडेट से संबंधित हों और इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है जो कह लीजिए जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट है वो कितना बेहतर है केवल फोकस वहां पर होना चाहिए इसके बाद इंप्रेशन मैनेजमेंट की भी बात की जाती है इंटरव्यूज में और ऐसा अक्सर तब होता है जब कैंडिडेट जो कि आजकल हम ये पाते हैं कि कैंडिडेट्स बहुत अवेयर होते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं क्योंकि उन्हें ये कहीं ना कहीं पता होता है कि जो इंटरव्यू हो रहा है उससे उनका किस प्रकार से उसमें उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है किस तरह की उनकी जो आंसरिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए तो ऐसे में कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आंसर्स को बड़े अच्छे से प्रेजेंट करते हैं यानी जो ओवरऑल इम्प्रेशन है वो बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और इसमें वो कई बार सफल भी हो जाते हैं लेकिन जो रियलिटी से काफ़ी कई बार दूर होता है क्योंकि वो केवल उस इंटरव्यू के लिए तैयार किए गए आंसर्स थे वहां पर जो बातें बताई गई वो केवल इंटरव्यूअर को खुश करने के लिए या उसको इम्प्रेस करने के लिए कही गई उनका एक्चुअल रियलिटी से उसका उतना वास्ता नहीं है जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो कोई ऐसा जॉब है जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है या अगर हम कहें कि वहां पर वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि एक ऐसा कार्य जहां पर आपको कई बार दिन में रात में किसी भी समय अचानक से क्योंकि वो इमरजेंसी से यदि संबंधित कार्य है तो हम वहाँ ये एक्सपेक्ट करेंगे कैंडिडेट से कि वो किसी भी कंडीशन में कार्य करने के लिए रेडी हो और वो हर समय उपलब्ध हो तो ऐसे में कैंडिडेट अगर ये समझ रहा है कि मुझे आज यहाँ पर ये बताने में इस जॉब को मिलने की मेरी प्रॉबिबिलिटी बढ़ जाएगी यदि मैं ये कहूँ कि मैं हर समय तैयार हूँ कार्य करने के लिए और मैं इस तरह के चैलेंजिंग कार्य को को की तलाश में था और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपनी संस्था के काम आ सकूं लेकिन अगर वास्तव में वो कैंडिडेट वैसा नहीं सोचता लेकिन वो ऐसा इंप्रेशन बना रहा है तो आगे चल कर के ये एक समस्या हो सकती है तो इस प्रकार का जो इंप्रेशन मैनेजमेंट कैंडिडेट्स कई बार करते हैं उसको भी बैलेंस करने का या कैंसिल आउट करने का प्रयास इंटरव्यूअर द्वारा किया जाना चाहिए इसके बाद एक बिहेवियरल इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है और बिहेवियरल इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि कैंडिडेट्स को रियल लाइफ सिचुएशन या जो रियल वर्क सिचुएशन है उसमें उनको रखा जाता है या उसको उनको इमेजिन करने के लिए कहा जाता है या उस प्रकार की कंडीशन को उनके सामने डिस्क्राइब किया जाता है और ऐसे में उनको बताया जाता है कि अब आप क्या डिसीजन लेंगे या कैसे बिहेव करेंगे या आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या होगा तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उसमें रख करके उसके बारे में उनको डिस्क्राइब करके उनके आंसर्स उनका रिस्पॉन्स लिया जाता है जिससे कि उनकी जो रियल लाइफ में या वर्क सिचुएशन में उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो कैसा होगा इसको प्रिडिक्ट करने का प्रयास किया जाता है इसमें आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है ये उतना भी नया नहीं है जिसको हम स्ट्रेस इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं जिसमें कई बार जो इंटरव्यू बोर्ड है या जो इंटरव्यूअर है वो जानबूझ करके ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे अभ्यर्थी को ये ना समझ आए कि वास्तव में ये उसका एक टेस्ट चल रहा है जिसमें यह देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी कितना बेहतर तरीके से प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहा है और ऐसे में कई बार अभ्यर्थी वो अपना नेचुरल रिएक्शन दे बैठते हैं जब हालांकि इस तरह की जो प्रैक्टिसज़ हैं या जो इंटरव्यूज़ हैं उसके अपने फ़ायदे नुकसान दोनों हैं और इस पर कुछ एथिकल इशूज़ भी उन पर भी चर्चा होती है परंतु ये सभी हम कह सकते हैं कि एक सिलेक्शन प्रक्रिया का हिस्सा है तो इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इस चयन प्रक्रिया में तो आज हमारे सत्र का चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो हम अपनी इस चर्चा को अपने अगले सत्र में भी जारी रखेंगे और वहीं से इसको फिर से हम इसकी शुरुआत करेंगे जहाँ तक हमने आज यहाँ इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वहाँ तक हमने चर्चा की है और चयन प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई कुछ और तथ्य हैं उनको हम अपने अगले सत्र में जो सत्र नंबर तीन यानी लेक्चर नंबर थ्री है उसमें भी इसकी चर्चा हम पूर्ण करेंगे तो आज के अपने इस सत्र की समाप्ति के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ थैंक यू